हाँ तो एवरीवन, हम आज के हवा महल के टॉप पर और वहां का व्यू दिखाता हूँ मैं एक नंबर का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के खुशनुमा दिल का हो चुका, हम काफ़ी जगह घूमे एंड काफ़ी इंजॉय किया। आज हम फिर नई जगह पर जाने वाले हैं और मैं आपको दिखाता हूँ एक नई प्लेस और नई एक जर्नी के बारे में। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं हवा महल एंड ये मेन एंट्रेंस है और यहाँ से हमने टिकट वगैरह ले लिया था एंड हम चलते हैं फिर आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको कुछ खास एंड हम भी इसको देखना है फर्स्ट टाइम, तो इसको जानने की कोशिश करते हैं एंड जो इसकी जो डेट ऑफ मतलब इसकी जो निर्माण हुआ था एंड स्ट्रक्चर तैयार किया गया था 1799 वगैरह आया था 1799 में, तो उसको पूरा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया था। ये सवाई प्रताप सिंह राजा ने इसको बनवाया था और ये इसका जो राजमुकुट के थ्रू जैसे इसका स्ट्रक्चर दिया है जो काफ़ी नेक्स्ट लेवल का लगता है और भाई देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर ही कोई रोमांचक बातें और मैं वो देख सकता हूँ और दिखाता हूँ आपको कितना इंटरेस्टिंग है। इसका जो लुक है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल का बना हुआ है, तो काफ़ी लोग आ रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो इसका जो टिकट है 50 का एंड फॉरनर्स के लिए 200 का, तो ये काफ़ी तगड़ा इसका व्यू भी एंड देख सकते हैं आप। तो दोस्तों देखते हैं हम, और यहाँ पे एक गाने का प्रोग्राम हो रहा है तो उसके लिए ये अपना पैकअप मतलब अपना जो भी स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं वो आप सुनाते हैं, देखते हैं क्या सीन है इनका। तो दोस्तों इनका ड्रामा देख चुके हैं और हम चलने वाले नेक्स्ट फ्लोर पे और वहाँ के चल जल्दी जल्दी देखते हैं और वहाँ का स्ट्रक्चर बताते हैं जो इसको पूरा जो कंप्लीट है 5 फ्लोर में है एंड हम चल रहे हैं 2nd फ्लोर में। ओके चलते हैं फिर। तो एवरीवन हम आ चुके हैं एंड 2nd फ्लोर पर, तो ये देख सकते हैं यहाँ का जो व्यू है ये इस तरह का कुछ। तो ये जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये काफ़ी जयपुर के अंदर काफ़ी जो पॉपुलर वो हैं क्या बोले जगह हैं उनके लिए इनका एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो कुछ ऐसे ही मिलेगा। और ये पता नहीं ये स्ट्रक्चर सब ने एक जगह सा एक सैम से ही बना रखा है एंड ये देख सकते हैं जितने भी किले मिलेंगे जयपुर के अंदर ज़्यादातर स्ट्रक्चर ऐसे ही मिलेगा। और ये जो मेन स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा लग सकता है, ऐसा लगता है छत्ता हो। और ये जो स्ट्रक्चर है पूरा इसके ऊपर ही इसको आधारित किया गया है हवा महल को जो इसको दर्शाता है। ये काफ़ी नेक्स्ट लेवल का बना हुआ था एंड ये देख सकते हैं इसको लाखों लोग देखने के लिए पर डे लाखों लोग देखने के आते हैं। इसका 2nd लास्ट वाले फ्लोर पे चलेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। उससे पहले ये जो आपको व्यू देख सकते हैं कितना ख़तरनाक है भाई, तो इसका इन्जॉय लेने के लिए अगर आप कभी यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर जरूर आएँ, हवा महल मिस ना करें इसको। ओके तो हम दिखाते हैं फिर और कुछ नेक्स्ट amazing man। तो एवरीवन देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर तो देखते हो नेक्स्ट लेवल का। ये जो इसके देख सकते हैं भीम ये सपोर्ट है वगैरह, तो ये कितनी खतरनाक है। तो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर, हमें रास्ते में एक बंदा मिला था मतलब नीचे वो मिला था टिकट लेने से पहले, ये इसके अंदर कुछ नहीं है मतलब ऐसी बतलाया था, ये इसमें कुछ खास नहीं है, ऐसी दीवारें हैं और 5 फ्लोर हैं और इसमें काफ़ी पैसा वसूल है, वैसे इतना गलत भी नहीं है। वो ये जैसे स्ट्रक्चर देख सकते हैं ये अपने शीशे की तरह, तो ये कलरफुल है, ये भाई एकदम नेक्स्ट लेवल किया भाई। ये जो लगता है उस टाइम का तो मेरे को नहीं लगता पर हो सकता है एंड मेरे को वैसे नहीं लगता पर बताते हैं ये पहला इस टाइम पे ही है, तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा लगता है। और ये देख सकते हैं इसका जो बाउंड्री वगैरह जो भी होती है मेन एरिया तो ये था एंड ये जो तो पिंक पूरा पिंक है भाई, पिंक सिटी जो नाम है इसकी वजह से ये जो इनके हैं यहाँ पर जयपुर के अंदर जो इमारतें हैं इनके ऊपर ही इसको पिंक सिटी कहा जाता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट फ्लोर पर और वहाँ का जो फेवरेट दिखाएंगे वो दिखाएंगे फिर।
तो दोस्तों ये सबसे कितना खूबसूरत मंजर है यहाँ का, एकदम नेक्स्ट लेवल का। तो भाई दिल रूबरू हो गया और एकदम सब मजा आ गया इसमें देखने के लिए। पैसा वसूल है फुल्ली भाई। तो भाई आपको क्या लगता है ये बिल्डिंग भाई रास्ते में गिरी तो कितना नुकसान होगा? तो भाई ये जैसे कितनी बड़ी बिल्डिंग है यार, आई थिंक ये जो हवा महल एकदम नेक्स्ट लेवल का भाई। यहाँ शान है भाई जयपुर की और यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं यार। और ये जो मुझे शीशा वाला जो कलरफुल लगा ये तो एक नंबर का लगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट जो ब्लू टॉप पर उसके, और टॉप पर जाके दिखाते हैं आपको नेक्स्ट लेवल का व्यू। तो गाइस देख सकते हैं हम आ चुके हैं भाई हम नेक्स्ट बिल्कुल टॉप पर। तो यहाँ का जो व्यू है एक नेक्स्ट लेवल का। तो यह हवा मंदिर है भाई, तो ये हवा मंदिर के लिए हवा मंदिर बागे में हवा मंदिर। यहाँ पे जो सुराग है इतने सारे जो जाली वगैरह होती हैं, जाली में यूज करा गया सबसे ज़्यादा इस इमारत के अंदर जाली का यूज कराया था। जाली के अंदर इतनी खतरनाक हवा आती है कि भाई बस नेक्स्ट लेवल के बाद हवा आती है यार। तो ये काफ़ी खतरनाक होता भाई। आपको लगता है कि ये गिर गया था कितना बड़ा नुकसान होगा यार? कम से कम करोड़ों की अर्निंग होती है यार पर डे की इसकी, कम से कम समथिंग पर डे हफ्ते की कम से कम समथिंग होगी यार, इतनी करोड़ों में समथिंग होगी यार इसकी। तो भाई कितना खतरनाक व्यू देख सकते हैं आप। ये देखें आप पूरा सिटी ऑफ पिंक सिटी ऑफ जयपुर, तो कितना तगड़ा व्यू है भाई यार। ये देख सकते हैं कितना मज़ा यार देखने में, कितना लगता है यहाँ से जाओ मैं, सुकून बहुत है यार यहाँ पर। तो भाई ये जो हम टॉप पर हैं, तो यहाँ का जो सूटेबल है वो काफ़ी तगड़ा भाई, एक नंबर का व्यू आता है और यहाँ काफ़ी सुकून मिलता है। तो भाई आज की वीडियो यहीं पे करते हैं, और वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो या कैसी भी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड नेक्स्ट चेक ऑफ नेक्स्ट वीडियोस वाचिंग फॉर नेक्स्ट टॉपिक।